आज संडे है और आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब संडे और इंडिया पाकिस्तान ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। सैटरडे होता है तो हम सबको सुकून होता है, लेकिन संडे को कई बार हार हुई है। बीते कुछ सालों में हम और आप थोड़े परेशान हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट में इतिहास जो होता है वो मैच खेलने के पहले तक होता है। मैच खेलते वक्त आप यहां से कितने मजबूत हैं ये मैटर करता है। और इसीलिए जब पाकिस्तान ने अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया तो हमें लगा क्यों ना चर्चा कर लें कि ईशान किशन खेलेंगे या बाहर बैठेंगे, क्योंकि बवाल बहुत बड़ा है। तीन आदमी है जिसमें बवाल है। ईशान गिल की लड़ाई शुभमन गिल के साथ है, जहां पर वो मोस्ट प्रॉब्ली हार जाएंगे। शुभमन को मौका मिलेगा क्योंकि शुभमन ने लास्ट मैच में रन बनाए थे और शुभमन कंसिस्टेंट है। दूसरी ईशान की लड़ाई चार नंबर को लेकर है, अय्यर से, वो से बात करेंगे। और तीसरी लड़ाई उनकी केएल राहुल के साथ है, जिन्हें टीम में तो आ गए, प्लेइंग 11 में आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने एक बार फिर मैच से पहले एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम खेल रहे हैं, शादाब खेल रहे हैं, इमामुल हक खेल रहे हैं, फखर जमा खेल रहे हैं, सलमान आगा खेलेंगे, इफ्तिकार खेलेंगे, रिजवान खेलेंगे, कमाल की फॉर्म उनकी भी रही थी, नसीम खेलेंगे, शाहीन खेलेंगे, हारिस खेलेंगे, जो एक नाम बचा था वो आ गया है फहीम अशरफ, जिन्हें नवाज की जगह खिलाया जाएगा, और चार तेज गेंदबाज, एक प्रॉपर स्पिनर, बाकी इफ्तिकार और आगा दो पार्ट टाइम स्पिनर साथ पाकिस्तान खेलने उतरने वाले। लेकिन ईशान खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस बारे में सवाल बरकर। हालांकि ईशान किशन को अगर आज नहीं खिलाया गया तो सोशल मीडिया पर चलेगा गुरु जरूर कि बहुत नाइंसाफी हुई है। मतलब एक आदमी जो लगातार चार मैचों में हाफ सेंचुरी मार चुका हो, एक आदमी जो पाकिस्तान की रॉ पेस के सामने ताबड़तोड़ रन बनाया हो और पिछले मैच में एक तरफा अकेले टीम को पुश किया हो, बाद में हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की लेकिन शुरुआत ईशान किशन ने की थी, उस आदमी को क्या आप बैठा सकते हैं? नाइंसाफी होगी। मैं उनके मिडिल ऑर्डर में खेलने का समर्थक नहीं रहा हूं। मुझे हमेशा लगता है ईशान को टॉप ऑर्डर में मौका मिलना चाहिए, वो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, मैक्सिमम तीन नंबर तक, इसके आगे वो नहीं खेलना चाहिए उन्हें। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने सबको गलत साबित किया, उसके बाद मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आप ईशान किशन को प्राथमिकता दीजिए। उनकी फॉर्म देखते हुए, नाम देखते हुए, कई और खिलाड़ी हैं जिनको आप दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म देखते हुए ईशान किशन को मौका दीजिए। ईशान कमाल के प्लेयर है। दूसरी चीज, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और सबसे बड़ी बात है कि एक ताबड़तोड़ प्लेयर है। अगर आप सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी को नहीं खिला रहे हैं तो आपको ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को खिलाना चाहिए। कम से कम दो तीन बल्लेबाज तो, पिछली बार हमने देखा शुभमन गिल टुक 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 कर रहे थे, बाकी खिलाड़ी भी संघर्ष कर रहे थे, ईशान ने वो पेस चेंज कर दिया था। तो ईशान मुझे लगता है कि उस जगह बहुत कामगार बल्लेबाज हैं और अगर उन्हें मौका मिलता तो अच्छा करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये, बाहर कौन बैठेगा? केएल राहुल टीम की हमेशा से पहली पसंद रहे, राहुल को निकालना बहुत मुश्किल है। अय्यर, उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी। शुभमन, मुझे लगता नहीं कि वहां टीम सोचेगी। तो फिर सवाल, गुरु खेलेंगे तो खेलेंगे कहां पर? अब ईशान किशन ने लास्ट मैच में जो 82 रन बनाए थे, मैं उसको उनके दोहरे शतक से भी ओवररेट करता हूं, क्योंकि दोहरा शतक जब आया था तो वो ओपनिंग में आया था, फ्लैट पिच पर आया था। हालांकि दोहरा शतक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो खिलाड़ी नहीं बना पाते तो उसके ऊपर रेट करना नहीं चले, ऊपर नहीं करेंगे, बराबर रेट करते हैं। दोहरा शतक के ऊपर रेट नहीं है, दोहरा शतक बहुत कम खिलाड़ी बनाते हैं तो उसके ऊपर रेट नहीं। लेकिन जो प्रेशर नॉक थी यार, वो कमाल की थी। मतलब विराट कोहली आउट हो गए हैं, शुभमन गिल आउट हो गए हैं, आपके अय्यर आउट हो गए हैं, रोहित शर्मा आउट हो गए हैं, पाकिस्तान की पेस अटैक डोमिनेट कर रही है, लेकिन उसके बाद चाहे नवाज हो चाहे हारिस हो, सबको बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज से ताबड़तोड़ पारी खेली। और उसका असर यह रहा कि अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट नॉक खेलते हुए ईशान किशन ने 82 बनाए। उस 82 के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे थे कि यार कुछ 82 ऐसे होते हैं जो शतक से बेहतर होते हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईशान जब बल्लेबाजी करने आए थे तब टीम का स्कोर 48-3 था, फिर थोड़ी देर बाद 66-5 गिर गया था, और वहां से 50-54 बॉल पर अशतक मारना वो एक काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है और उसने दुनिया का दिल जीत लिया। हालांकि कई अखबार ये छाप चुके हैं कि भैया ईशान किशन को कल मौका मिल रहा है, लेकिन मौका किसकी जगह पर? क्या राहुल को बाहर बैठा जाएगा? मुझे नहीं लगता केएल राहुल बाहर बैठेंगे। अय्यर हो सकता है शायद केएल राहुल को रखा जाए और श्रेयस अय्यर को बाहर किया जाए, बट फिर क्या वो नंबर चार के साथ बेमानी नहीं हुई? क्योंकि नंबर चार का मुकाबला तो सूर्यकुमार यादव के साथ था। या राहुल को बाहर बिठाया जाएगा? ईशान की वैसे 50 का एवरेज चल रहा है वनडे में, और सबसे मजेदार बात यह कि ईशान किशन की अगर आप अवे सीरीज देखेंगे, मतलब इंडिया से बाहर आप देखेंगे, तो कमाल की बल्लेबाज है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 50 रन ठोके थे, फिर बांग्लादेश गए वो 210 रन ठोक दिया और वो भी पारी गजब की थी, 131 बॉल में 210 रन। बांग्लादेश हल्की फुल्की टीम नहीं है, बांग्लादेश भी धाकड़ टीम है। और उसके बाद वेस्ट इंडीज में 52 रन 46 बॉल पे, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 55 रन 55 बॉल पे, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 77 रन, और पिछली बार 81 बॉल पे 82 रन। तो उनका डोमिनेंस हो गया, लेकिन फिर क्वेश्चन वही है कि किसकी जगह पर?
मतलब ईशान के बल्लेबाजी करने का असर यह हुआ कि तिलक वर्मा का वर्ल्ड कप से सामान पैक हो गया। तिलक वर्मा जिन्हें मिडिल ऑर्डर में घुसाने की बात कही जा रही थी, अब वो बाहर बैठेंगे क्योंकि ईशान किशन खेलेंगे टीम में और वर्ल्ड कप में भी वो रहेंगे। लेकिन फिर वही है कि अगर ईशान खेलते हैं तो सूर्या परमानेंट बाहर है, अय्यर और राहुल में से भी कोई एक बाहर है, तो आप किसे बाहर करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के पास इस बार अच्छी गेंदबाजी है। पाकिस्तान इस बार तीन फास्ट बॉलर नसीम, हारिस और आपके शाहीन, चौथा फहीम अशरफ को लेकर आ रहे हैं जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। स्पिनर शादाब खान उनके वाइस कैप्टन, तो वो खेलेंगे। नवाज को बाहर बैठा गया और सलमान आगा, इफ्तकार जो चिचा हैं, वो उनके साथ मदद करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर टीम जो है वो अच्छी टीम है। इंडिया पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। बरसात हुई, हालांकि कहा जा रहा है कल टॉस के समय बरसात होने वाली है, लेकिन लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेकिन इस संडे क्या होगा, इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी? हम तो इंडिया पे दांव लगा रहे हैं, इंडिया जीतेगी कल। कल विराट और रोहित को दिखाना पड़ेगा, वो बड़े नाम क्यों, शुभमन को भी। बाकी देखते हैं मैच में क्या होता है। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया।